हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज हम प्लस वन क्लास का नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं, जिसमें रूल्स करेंगे आयुपैक नेमिंग के, जहां पर फंक्शनल ग्रुप्स लगे हों। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप के लिए हम करेंगे, जैसे मान लो हमने पिछली वीडियो में एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के लिए किए थे, अब हम फंक्शनल ग्रुप के लिए करेंगे। तो सबसे पहले हम पेरेंट रूल करेंगे, पेरेंट चेन। ठीक है, जहां पे भी आपका फंक्शनल ग्रुप लगा होगा, आपने वहीं से पेरेंट चेन जो है वो शुरू करनी है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो CH3, CH2, CH, CH2, OH, CH2, CH3। तो देखो, अगर आप पिछले रूल्स में आप ये देखते आए थे कि जहां पर आपका जो चेन है लॉन्ग बनेगा, आप वहीं से स्टार्ट करते थे, लेकिन इसमें आपने ये देखना है कि फंक्शनल ग्रुप कहाँ लगा है। फंक्शनल ग्रुप के लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, वहां से आप देखना कि फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप, अब देखो यहाँ पे आपको साफ दिख रहा है कि ये फंक्शनल ग्रुप लगा है। अगर आप नेमिंग यहाँ से करोगे 1 2 3 4 5, दैट इज रॉन्ग। यहां से करोगे 1 2 3 4 5, दैट इज आल्सो रॉन्ग। ठीक है, इसके लिए रूल नंबर 1 है, जहां पे फंक्शनल ग्रुप लगा है वहीं से चेनिंग आपने शुरू करनी है। देखो यहाँ फंक्शनल ग्रुप लगा, इसको 1 दे दिया, इसको 2 3 4, चाहे ऐसे ले लो, चाहे 1 2 3 4 ऐसे ले लो। अगर ये ग्रुप यहाँ लगा था तो आप ये देखते कि कहाँ से लॉन्ग चेन है। देखो मैं करके भी दिखा देती हूँ, CH2 CH CH2 OH। तो आप चेनिंग कैसे करते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो 5 की चेन है, यानी कि पेंट है। ठीक है, और देखो 1 2 2 पे क्या लगा हुआ है, 2 पे लगा हुआ है मिथाइल, 2 मिथाइल पेंट, 1 ओल या पेंटेनोल। तो देखो फर्स्ट रूल तो यही हो गया स्टूडेंट, जहां पे भी ग्रुप लगा हुआ है आपने वहीं से चेनिंग जो है शुरू करनी है, इस बात का ध्यान रखें। ठीक है, और जहां से फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, अब देखो कई बार ऐसे होता है, सेकंड इसी में ही एक एग्जांपल लेके दिखाती हूँ मैं आपको। कई बार क्या होता है स्टूडेंट्स, ये देखो यहाँ पे एग्जांपल दे रही हूँ, कई बार ग्रुप भी लगा होता है साथ में, और साथ में बॉन्ड भी लगे होते हैं, हम कंफ्यूजन हो जाते हैं। तो देखो सेकंड एग्जांपल ले रही हूँ मैं आपका, देखो CH3 सी डबल बॉन्ड ओ, CH CH3, और यहाँ CH CH डबल बॉन्ड CH2, इधर CH2 CH2 CH3। तो देखो इस एग्जाम्पल को बड़े ध्यान से देखना बच्चों। ठीक है, इस एग्जाम्पल में अब डबल ग्रुप भी लगा हुआ है ना, ये देखो ये डबल ग्रुप भी लगा हुआ है और यहाँ कीटोन भी लगा हुआ है। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कहाँ से नंबरिंग हम स्टार्ट करें, तो स्टूडेंट आपको ध्यान रखना है यहाँ पे कि आपने जहां पे ग्रुप लगा हुआ है ना वहीं से नंबरिंग स्टार्ट करनी है, यानी कि यहाँ से 1 2 3 4। ठीक है, और यहाँ पे देखो 5, ये 6। ठीक है, और चाहे इस तरह से करोगे आप पेरेंट एंड 6 जो है वो सही है, अगर आप इधर से 4 5 6 7 ले जाओगे तो वो रॉन्ग है। ठीक है, तो यानी कि आपने इसको भी प्रेफरेंस देनी है और इसको भी प्रेफरेंस देनी है, सीधी चेन ले जाओगे तो आपका रॉन्ग है। ठीक है, तो अब इसके अकॉर्डिंग इसका नेम जरा बनाने की कोशिश करो, 2 पे तो ओन लगा हुआ है, तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 की चेनिंग है, 6 5th के ऊपर डबल बॉन्ड लगा हुआ है। ठीक है, और 2 के ऊपर कीटोन लगा हुआ है, 3 के ऊपर मिथाइल लगा हुआ है, और 4 के ऊपर ये 3 है, तो 3 को क्या बोलते हैं हम, ब्रैकेट में लिखेंगे प्रोपाइल। ठीक है, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में सिखाया था कि किस तरह से इनकी नेमिंग करते हैं। ठीक है, तो ये इसका पेरेंट चेन रूल है, जो सबसे पहला रूल है। ठीक है, सेकंड रूल करते हैं, सेकंड रूल है स्टूडेंट लोएस्ट लोकेंट रूल, यानी कि जहां से जो ये ग्रुप है नजदीक पड़ेगा उधर से नंबरिंग करेंगे। देखो मैं यहां से इसकी नंबरिंग स्टार्ट करती हूँ, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो चाहे इसको 5 6 ऐसे लिख लूं, एक ही बात है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका ये ग्रुप है कीटोन ग्रुप, ठीक है, जो ये कीटोन ग्रुप है ना, ये क्या है, लोएस्ट नंबर दे रहा है। ठीक है, यहाँ से दे रहा है 1 2 3, थर्ड नंबर पे लोएस्ट दे रहा है। अगर मैं यहाँ से करूँ 1 2 3 4, तो ये 4 पे आता है, तो दैट इज रॉन्ग। ठीक है, तो यहाँ से आपने इसकी नेमिंग जो है वो स्टार्ट करनी है। ठीक है, इसके एक दो और एग्जाम्पल करते हैं, जैसे देखो आप यहाँ एक एग्जाम्पल लेते हैं, CH3 CH3 CH3, यहाँ पे आपका ग्रुप लगा हुआ है CH2
CH2OH और उसके बाद CH3 यहाँ। तो ये जो ग्रुप है ना, तो इसके अंदर देखो हम नंबरिंग कैसे देंगे। ध्यान से देखो, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप स्टार्ट है तो मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगी। कोई यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो वो रॉन्ग होगा। 1 2 3 4, ठीक है, यहाँ से 5 हो गया। अगर आप ऐसे चलते हो 1 2 3 4 5 तब भी ठीक है, 1 2 3 4 5 तब भी ठीक है। ठीक है, तो जैसे आपको नंबरिंग सही लगे वैसे दोगे, लेकिन जो यहाँ पे जो लोकेंट्स होंगे वो होंगे 2 4 4, ठीक है, 2 4 4 जो है इसके वो लोकेंट है। ठीक है, उसके अलावा जो है ये तो ऑल में ही गिना जाएगा, ये ऑल ग्रुप है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5, 5 की चेन है तो ये पेंटेन ऑल होगा। ठीक है, 2 के ऊपर देखो जरा, 1 2 2 के ऊपर क्या लगा हुआ है, मिथाइल, तो क्या नाम बनेगा इसका, 2 मिथाइल। फिर 4 4 के ऊपर तो है ये, ठीक है, देखो 1 2 3 4, ठीक है, 4.4 डाई मिथाइल। ठीक है, बल्कि यहां पर तो तीनों मिथाइल हैं, तो आप ऐसे लिखोगे 2 4 4 ट्राई मिथाइल। और 5 को क्या बोलते हैं, पेंट, पेंटानोल बन जाएगा ये। ठीक है, तो इस तरह से आपने इसकी फंक्शनल ग्रुप की जो नेमिंग करनी है। नेक्स्ट करते हैं, तो नेक्स्ट रूल देखो स्टूडेंट, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट रूल है, नंबरिंग द चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप। अब मैं आपको कुछ फंक्शनल ग्रुप दूंगी, तो जहां भी ये फंक्शनल ग्रुप लगा होगा आपने वहीं से नंबरिंग शुरू करनी है। फंक्शनल ग्रुप की पहचान होनी चाहिए आपको कि कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है। लाइक CHO, सबसे पहले एल्डिहाइड वाला ग्रुप, ठीक है, और COOH कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप, एस्टर का ग्रुप COOR, ठीक है, और आपका CONH2 और COCl, ठीक है, और C(NN)। ये कुछ ग्रुप्स हैं, ध्यान रख लो, जहां भी ये ग्रुप लगे होंगे आपने नंबरिंग वहीं से स्टार्ट करनी है, ध्यान रखना। जैसे देखो CH3 CH2 CH CH2 CH3, ठीक है, तो यहाँ पर देखो COH है। अगर आप देखो तो 1 2 3 4 5, ये 5 की लॉन्ग चेन है, इधर से देखो 1 2 3 4, 4 की चेन है, तो कौन सा सही है आपके हिसाब से, तो ये 5 सही है। लेकिन आपने जब ये ग्रुप देख लिया इनमें से कोई भी, तो आपने चेनिंग वहीं से ही स्टार्ट करनी है, तो चेनिंग यहाँ से शुरू करेंगे, 1 2 3 4, तो आप यहाँ से चेनिंग शुरू करोगे। तो 2 पे क्या लिखोगे, इथाइल ब्यूटेन, है ना, 2 के ऊपर इथाइल ब्यूटेन लगा हुआ है, ठीक है, तो आप क्या कहोगे, 2 के ऊपर इथाइल ब्यूटेन और कार्बोक्सिलिक कहाँ पे लगा हुआ, 1 के ऊपर, तो आप क्या कहोगे, 1 ओइक एसिड, ठीक है, 2 इथाइल, 2 के ऊपर इथाइल लगा हुआ है, ठीक है, और टोटल चेन 4 की है, तो ब्यूट, 1 के ऊपर क्या लगा हुआ है, कार्बोक्सिलिक एसिड, 1 ओइक एसिड, ठीक है। तो ये इसकी, इसका खास ध्यान रखना आप, ठीक है, अलग से एक वीडियो भी बनाऊंगी मैं, उसके अंदर सारी नेमिंग ही करेंगे हम, ठीक है। तो एक आधा और देख लेते हैं इसमें, जैसे मान लो आपका कोई और ग्रुप लगा हुआ, जैसे ब्रोमीन लगा है, क्लोरीन लगा है, तो उनकी नेमिंग कैसे करेंगे वो करते हैं। यहाँ देखो बच्चों, ग्रुप यहाँ लगा हुआ है, तो इसकी नंबरिंग देनी शुरू करें, 1 2 3 4, तो अब देखो इसकी नेमिंग कैसे बनेगी, ठीक है, ये तो सोफिक्स में लगेगा, तो इसकी नेमिंग क्या बनेगी, ध्यान से देखो, 3 क्लोरो, 3 के ऊपर क्या है, क्लोरो है, ठीक है, 3 क्लोरो, 2 के ऊपर क्या है, मिथाइल है, 2 मिथाइल, ठीक है, 3 क्लोरो 2 मिथाइल, ठीक है, चेन कितने की है, 1 2 3 4, 4 को क्या बोलते हैं, ब्यूटेन, ठीक है, ब्यूटेन, 1 1 के ऊपर क्या लगा हुआ है, ओइक एसिड, तो 1 ओइक एसिड, ठीक है, तो ये इसका जो है नेम बन जाएगा, ठीक है। एक और एग्जांपल करते हैं, मतलब मेन बात ये है कि कोई भी फंक्शनल ग्रुप लगा होगा आपने इसको प्रेफरेंस नहीं देनी है, आपने फंक्शनल ग्रुप सिर्फ जो मैंने आपको भी बताए थे कौन कौन से थे एक बार रिवाइज करो जरा, ये ग्रुप था, ठीक है, और CONH2 ग्रुप था, ठीक है, और क्या था, CHO था, और क्या था, COOR था, ठीक है, और कौन सा था, C(NN) था, और COCl था, ठीक है, और CONH2 था, ठीक है, इन ग्रुप्स को आपने प्रेफरेंस देनी है बजाय इस ग्रुप के, ठीक है, ये ग्रुप्स आपको लर्न होने चाहिए। अब देखो यहाँ पे ये भी ग्रुप लगा था, ये भी, तो आप कंफ्यूज मत होना, आपने सिर्फ इसको ही प्रेफरेंस देनी है, ठीक है। तो एक एग्जांपल और कर लेते हैं,
अभी यहाँ पे डबल बॉन्ड भी लगे हुए हैं और दोनों तरफ फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है। तो देखो दोनों तरफ फंक्शनल ग्रुप लगे, चाहे किधर से मर्जी नंबरिंग स्टार्ट कर दे, 1 2 3 4, ठीक है। अब दो ग्रुप एक जैसे लगे हों वहां पे भी वही केस चलेगा, डाई वाला, तीन लगे हो तो ट्राई, चार लगे हो तो टेट्रा, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये ब्यूट है सबसे पहले, ब्यूट, ठीक है, और टू के ऊपर इन भी लगा हुआ है, ब्यूट टू इन, ठीक है। अब ये दोनों ग्रुप एक जैसे हैं, ठीक है, कहाँ कहाँ लगे हैं, वन पे भी है फोर पे भी है, तो 1, 4 डाई, कौन सा ग्रुप है ये, सी एच ओ ग्रुप, सी एच ओ यानी कि एल्डिहाइड का ग्रुप होता है, तो डाई अल ग्रुप लग जाएगा, ठीक है। तो ये इसकी नेमिंग होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे रूल्स ऑफ आयुबेक नेमिंक्लेचर पॉलीफंक्शनल कंपाउंड के लिए, ठीक है। तो फिलहाल जो ये थे जो आपके ग्रुप्स फंक्शनल थे, तो ये कंटेनिंग जो फंक्शनल ग्रुप है, जो फंक्शनल ग्रुप कंटेन करते हैं, उनके लिए थे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रूल्स पढ़ेंगे। थैंक यू।